दोस्तों हमारी आज की वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो है, क्योंकि आज वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाएंगे जो सीसीटीवी फुटेज या सिक्योरिटी कैमरास में रिकॉर्ड हो जाते हैं और इंसान देखता है कि किस तरह से अजीबोगरीब किस्म की चीजें रूनमा होती रहती हैं और इंसान उन्हें देखकर काफी हैरान भी होता है। हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो चोर था और उसने गाड़ी का शीशा तोड़ने के लिए गाड़ी पर पत्थर मारा तो किस तरह से वो पत्थर वापस आकर उसके मुंह पर लग गया। इसी तरह आपको एक बुरी खातून के बारे में बताएंगे जो एक स्टोर चलाया करती थी और वहां पर जब एक चोर आया तो किस तरह से उन्होंने उसकी दुर्गत बनाई। इसी तरह की बेशुमार किस्म की चीजें आज की वीडियो में हमारा हिस्सा है। बहुत सी सीसीटीवी फुटेजेस आपको दिखाएंगे जो मुख्तलिफ दुनिया के शहरों से मौसूल हुई है, जिन्होंने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। लेकिन इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, आपको अपने चैनल येलो में खुशामदीद कहते हैं और आपको बताते चलें कि ये वीडियो इंतहाई मेहनत के बाद बनाई जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करना आप सबकी जिम्मेदारी है और कमेंट में अपना फीडबैक देते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको इंस्टेंट कार्मा कैच ऑन सीसीटीवी के बारे में बताते हैं। दोस्तों यानी कि एक शख्स था जो चोर था और वो गाड़ी चुराने के लिए देखा जाए इस क्लिप में, तो वो आता है गाड़ी के पास, इधर उधर घूमता है, तमाम चीजों का जायजा लेता दिखा देता है। उसके पास जमीन पर पड़े एक पत्थर को उठाता है, वो पत्थर को उठाता है और गाड़ी के शीशे पर दे मारता है। जब वो उसको गाड़ी के शीशे पर दे मारता है तो आमतौर पर तो सब यही तवक्को करते हैं कि शीशा टूट जाएगा और वो चोरी करने में कामयाब हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। वो शीशा काफी मजबूत दिखा देता है और वो ईंट जो उसने गाड़ी के शीशे में मारी होती है, पत्थर मारा होता है, वो वापस उसके मुंह पर आके लिखता है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। ये वीडियो वहां पर मौजूद थी, सीसीटीवी कैमरे की मदद से देख लिया गया। गाड़ी के मालिक जो हैं उसने इसको अरेस्ट करवाया और उसके बाद उस पर इल्जामात लगाए गए कि शीशे को नुकसान पहुंचा, गाड़ी पर स्क्रैचेस आए और इसने कई बार इस तरह की कोशिश की जिसकी वजह से गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा और उस इंसान को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक बूढ़ी खातून के बारे में बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक चोर की दुर्गत बना दी। दोस्तों ये वाकया इसी साल का है, यानी 2020 के फरवरी के महीने में ये वाकया रूनमा हुआ, जब तकरीबन 90 साल की खातून एक स्टोर पर मौजूद थी, जहां पर एक शख्स आता है, उसने स्लीपिंग बैग के अंदर अपना मुंह छुपाया होता है। सुबह 6:30 या 6:25 का टाइम था, वहां पर आता है कैश काउंटर पर आकर वो कैश की डिमांड करता है। उसके बाद वो काउंटर की तरफ आ जाता है, पैसे निकालना शुरू कर देता है। वो बुढ़ी औरत जो है उसने अपनी स्टिक से उसे ऐसा मारा कि वो हैरान रह गया। उसे तवक्को नहीं थी कि तकरीबन 90 साल की ये खातून जो है उस पर इस तरह से अटैक कर सकती हैं, जिसके बाद वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो गया। दोस्तों इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको मजीद चीजों के बारे में भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, वो लोग जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका यही है कि नीचे नजर आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आइए अब आपको चाइना लिए चलते हैं, जहां पर एक नौजवान को आप देखेंगे कि वो अपने जूते को ठीक करता आपको दिखा देता है। ये फुटेज जो है ये भी सीसीटीवी फुटेज है। उसके बाद जैसे ही वो सीधा होता है तो वो एकदम 360 एंगल में यानी पूरा घूमकर जमीन पर वापस आकर गिरता है और लोग जब ये देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। तहकीकात के बाद ये मालूम हुआ कि ये वाकया नवंबर 2019 में रूनमा हुआ, जब ये शख्स है अपने जूते के नीचे एक लोहे के डब्बे में कुछ एक्सप्लोजन रखकर जा रहा था, यानी इसने बारूदी मवाद जूते के नीचे लगाया था, मेथेन काफी ज्यादा थी और ये उसे सेट कर रहा होता है। उसके बाद ये खड़ा होता है तो वो एकदम बम जो है वो फटता है और ये शख्स पूरी कुवत के साथ जमीन पर गिरता है और पूरा 360 का जो एक सर्कल है उसे कंप्लीट करता है और लोग जब ये देखते हैं तो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। आइए अब आपको जो क्लिप दिखाएंगे उसमें आप जानकर हैरान होंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि पार्किंग स्टैंड में बहुत से लोग जब जा रहे होते हैं तो वहां पर कुछ रोड लगाए होते हैं जिसे आमतौर पर लोगों को रोकने के लिए वो काम करता है। ये क्लिप यूक्रेन की है, जो कहा जाता है सितंबर 2019 की है, जब गाड़ी जो है वो उस पॉइंट से आगे आ जाती है जब उसे याद आता है कि उसने अभी पैसे पिल नहीं किए थे, पैसे देने थे, तो वो वापस रिवर्स करता है। जब वो रिवर्स करता है तो स्टैंड नीचे होता है, गाड़ी स्टैंड से टकराती है और पीछे की जाने वो चला जाता है। उसके बाद गाड़ी के साथ लगते हुए गाड़ी को साइड से भी बोर्ड रगड़ देता है। ड्राइवर फैसला करता है कि गाड़ी को आगे की जाने ले जाया जाएगा। उतनी देर में वो गाड़ी के शीशे से अंदर की तरफ आ जाता है। वो गाड़ी चलाता है तो गाड़ी के अंदर से आके गाड़ी का पिछला शीशा जो है वो टूट जाता है।
फिर वो दोबारा कोशिश करता है, गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और इस तरह उसे अपने किए की सज़ा मिल जाती है। यानी कि वो जिस तरह से रिवर्स आता है और वहाँ प्लाजे के उस पार्किंग पॉइंट के जो वो एक हैंडल था उसे ख़राब करता है, उसी तरह उसकी गाड़ी का उससे दुगना नुकसान हो जाता है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि किस तरह से तीन लोग पाइनएप्पल के ट्रक से पाइनएप्पल चुरा रहे थे। ये हाईवे में देखा जाए तो ट्रक बहुत तेजी के साथ जा रहा है, जबकि उसके पीछे तीन लोग खड़े हैं और वो रोड पर थैले निकाल कर फेंकी जा रहे हैं। इसी में आप देखते हैं कि एक शख्स जो है वो ट्रक से गिर जाता है और उलटबाजी खाता हुआ दिखा देता है। पीछे गाड़ी में एक शख्स मौजूद होता है जो ये वीडियो बना रहा होता है और ये वीडियो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखा जाए और जिस तरह से वो लोग कार सरंजाम दे रहे हैं, तो यही मालूम होता है कि शायद जो ड्राइवर था वो इस चीज़ से मालूम था या इसकी मालूमात उसके पास थी कि लोग ये पीछे चोरी का काम सरंजाम दे रहे हैं। क्योंकि जब इस तरह की सूरत हाल होती है, पीछे कोई शख्स गिर जाता है, तो आपको महसूस ज़रूर होता है, आप गाड़ी को रोक कर देखते ज़रूर हैं, लेकिन वो शख्स गाड़ी चलाता रहा। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं जिसके बारे में जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये वाकया जो है थाईलैंड का है, जहां पर एक दुकान पर एक लड़का जाता है, गोल्ड की चेन लेता है। वो ज्वेलरी शॉप थी, वो वहां पर उसको कहता है कि ये मुझे ट्राई कराओ। जो उसे ट्राई कराने के लिए दी जाती है चेन, उसकी कीमत 500 पाउंड होती है। वो लेता है, उसे गले में डालता है, इधर थोड़ा सा घूमता है और फिर भागकर दरवाजे की तरफ जाता है। दोस्तों, जब वो शख्स दुकान पर आता है तो सीसीटीवी फुटेज वहां पर लगाई होती है, कैमरेज लगे होते हैं, उन्हें इस पर शक हो जाता है और वो इस दरवाजे को ऑटोमेटिकली लॉक कर देते हैं। ये शख्स जब भागकर दरवाजे की तरफ जाता है, दरवाजा खोलता है, तो दरवाजा खुलता नहीं है, इसे बहुत ज्यादा नाकामी का सामना करना पड़ता है। जब ये तमाम मनाजिर होते हैं, वो खुद ही वापस आता है, उस शख्स को चेन उतार कर दे देता है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खोला जाता। पुलिस का इंतजार किया जाता है, पुलिस आती है तो उस शख्स को गिरफ्तार करवा दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब आपको हम 23 फरवरी 2020 का ही एक वाक्या बताते हैं दोस्तों, जिसमें एक लिटर पोनी जो है वो एक डीप होल में गिर गई थी और उसको किस तरह से निकाला गया। वो एक गड्ढा था जिसके अंदर गिर गई और उसका निकालना बहुत मुश्किल था। बहुत सी मशीनें बुलाई गई, मशीन बुलाने के बाद जमीन खोदी गई और जमीन खोद कर उसका रास्ता बनाया गया। ये व्हाइट कलर की पोनी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मशीनों की मदद से वो तमाम मिट्टी हटा दी गई, होल को खत्म कर दिया गया, फिर वो बाहर निकली और बाहर निकल कर वो भागने लगी और बिल्कुल फ्री दिखाई दे रही थी। यानी कि वो बिल्कुल भी मजे में थी और उसको कोई भी जख्म नहीं हुआ था। आइए अब आपको हम एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। इसमें एक लड़की है जो अजीबोगरीब किस्म की हरकत कर रही है और वो भी सीसीटीवी कैमरे के सामने पब्लिक प्लेस में जाकर वो ऐसा कर रही है, और जब लोग इसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। यानी लेडी ऑन सेगवे। दोस्तों, इसमें आप देखें तो एक लड़की जो है वो रोड पर चल रही है और ऐसा लगता है कोई मॉडल है। वो कैमरे के सामने आकर मुख्तलिफ किस्म के पोज बनाती है, वॉक करती है। ये कोई आम कैमरा नहीं बल्कि सीसीटीवी फुटेज के कैमराज हैं जो मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस पर लगाए जाते हैं। लोग जब उसे देखते हैं तो बिल्कुल हैरान होते हैं, लेकिन इसे लोगों की बिल्कुल फिक्र नहीं होती। दोस्तों, ये देखें तो अपने हाथ में जूता भी पकड़ लेती है, कैमरे को जूता दिखा रही होती है, अजीब व गरीब किस्म की शक्लें बनाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होकर वहाँ पर घूमती फिरती दिखाई देती है। लोग जब ये वीडियो देखते हैं तो काफ़ी हैरान होते हैं। अगर आप भी हैरान हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं एक एक्सीडेंट के बारे में जो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। दोस्तों, ये वाकई में आप देखें तो एक एम्बुलेंस है और एक तरफ BMW है। BMW जो है सिग्नल तोड़कर तेज रफ्तार के साथ आती है, एम्बुलेंस को टकराती है और उसके बाद सामने चिकन शॉप है उसके अंदर जाकर टकरा जाती है। इतनी देर में आप देखें तो BMW से तीन लोग जो है वो निकलते हैं, जबकि एम्बुलेंस में जो शख्स सवार होता है वो ड्राइवर रींगता हुआ जमीन पर दिखाई देता है। लेकिन BMW में जो लोग मौजूद होते हैं वो वहां से निकलकर फौरन रफू चक्कर हो जाते हैं और मालूम ही नहीं होता कि आखिर वो गए कहां है, क्योंकि उनका कसूर था। उन्होंने यही बेहतर समझा कि यहां से गायब हो जाया जाए। उन्होंने सिग्नल वायोलेशन की थी, उनको काफी नुकसान हो गया था और जुर्माना भी हो सकता था, इसलिए वो वहां से फौरी तौर पर भाग जाते हैं। वो ये भी परवाह नहीं करते कि ड्राइवर कितना जख्मी है। लोग जब ये क्लिप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खौफजदा भी होते हैं और हैरान रह जाते हैं कि लोग किस तरह से गलती सरंजाम देते हैं और उसके बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं। पुलिस आती है, उस शख्स को बचाती है, रेस्क्यू करती है, हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। अभी तक उन लोगों को नहीं पकड़ा गया, उसकी तहकीकात के लिए पुलिस कार्रवाई शुरू कर देती है।
बाद में नहीं बता सकते कि क्या हुआ, उसको पकड़ा गया या नहीं, लेकिन फोटेज को देखकर लोग जरूर हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी सीसीटीवी फोटेजेस थी जिन्हें लोग देखते हैं तो वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा इंजॉय भी करते हैं। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।